श्री पुरुषोत्तम महात्मय कथा अध्याय 22 सुतजी कहवा लाग्या, दृढ़धनवा राजाए आ मांसमां शू खावू, शा नियम पाड़वा वगैरे पूछ्यू। त्यारे वाल्मीकि कहवा लाग्या, आ मांसमां हविष्य भोजन करवू, तलनू तेल, विकारी पदार्थोथी दूषित थयेलू अन्न वगैरे पदार्थो त्यागवा, उपरांत पारकू अन्न, परद्रोह, परनिंदा, परस्त्री तेमज परगाम जवानो त्यागवू, पुरुषोत्तम मासमां ब्रह्मचर्य पाड़वू, खाकराना पांदड़ामां अपहरण काळे भोजन करवू, पछी जो शक्ति होय तो भगवानने प्रसन्न करवा, कृच्छ चांद्रायण करवा, पछी वड़ी एकमने दिवसे कोड़ू, बीजे गोड़ू रींगणू, त्रीजे पुष्प शाक, चौथे मूड़ा, पांचमे बेलीफळ, छठे कालिंगड़ा, सातमे सर्वफळ शाक, आठमें आंबड़ा, नौमें नारियेड़, दसमें कोड़ू, अग्यार से पंडोड़ा, बार से बोर, तेर से वनत्याग, चौदसे वेल पर थतु शाक, पूनमें जड़मा थता शाक नो त्याग करवो। जे जे पदार्थ आमांस में त्याग कर्या होय ते भगवानी प्रसन्नता माटे ब्राह्मण ने आप्या पछी उपयोग में लेवा। जो शक्ति होय तो आ मांस में उपोषण करवा, जे दिवस थी व्रतनो आरंभ करवो होय ते दिवसे वहला उठी भक्तिनो नियम करवो, कोई पण नियम ग्रहण करवो, आ मासमां भक्तिपूर्वक भागवत सांभळवू, सालिग्रामनो तुळसीना पांदड़ाथी पूजन करवाथी यमदूतो नासी जाय छे, आ व्रत शतावधि यक्षो करता पर श्रेष्ठ छे, यज्ञ करवाथी स्वर्ग मळे छे, पण आ मासनुं व्रत करवाथी गोलोक प्राप्त थाय छे। जे कोई आ पुरुषोत्तम मासनो आदरपूर्वक व्रत करे छे ते पुरुषोमां उत्तम छे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणमां पुरुषोत्तम व्रत महात्मय नामनो 22 अध्याय संपूर्ण।